नमस्कार सकाल ओडिसा को आपन को स्वागत करूछि मु बंदिता खबर को आसीबा पूर्ण तेजिला स्टार दंपतिक कळी पूर्ण वीडियो जारी करले सांसद अनुभव महंती पत्नी वर्षा को अभिजोग को खंडन करबा सह आनिले पालटा अभिजोग कहिले धीरे धीरे सब सत सामना को आसीबो अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी थाना रे दरस्थ हेबा परे आउ एक वीडियो जारी करिछंती अनुभव वीडियो रे वर्षा को तीनटी चैलेंज देइछंती अनुभव डाक्टरी परीक्षा पॉलीग्राफ टेस्ट एवं वॉइस टेस्ट पई चैलेंज करिछंती अनुभव सेपर ट्वीट करी कटक परिवार अदालत रे एक ऑर्डर कॉपी को ट्विटर रे पोस्ट करिछंती मामला ठारो गणमाध्यम को दूरै रखिया पई निज आडू कोर्ट रे प्रार्थना करथिबा कथा कहिछंती एवं सेते बेले वर्षाया को विरोध करथिबा कथा छळरे कहिले अनुभव एबे गणमाध्यम रे से वीडियो पोस्ट करबा परे तांको विरोध रे एतला कोनी आश्चर्य थिबा प्रकाश करिछंती अनुभव कि मु आमो मैटर को जतबेले डिसाइड करी सारी लड़ी भी मो खाली एठी नुहे दरकार पड़े मु सुप्रीम कोर्ट जाए भी जीवी आई नॉक द डोर्स ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल कोर्ट ऑफ लॉ व्हिच इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किंतु सत्य को सामना को आनी भी आई विल एक्सपोज ईच एंड एवरी ट्रुथ बिहाइंड यू तीन टा जिनस मन रख मेडिकल टेस्ट पाई की चैलेंज फॉरेंसिक लैब रे तुम ऑडियो टेस्ट रो चैलेंज थर्ड लाई डिटेक्टर चैलेंज पॉलीग्राफ टेस्ट तीन टा चैलेंज बचा प्लीज राज्यसभा निर्वाचन पई आज आरंभ हेबो नामांकन आज एने प्रकाश पाइब विधिवद्ध विज्ञप्ति आ सहित प्रार्थीपत्र दाखल करिवे प्रार्थी एवं नामांकन पई शेष तारीख रही मे 31 एक तारीख में प्रार्थीपत्र जांच हेबो जून 3 तारीख हेउची प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष दिन आ जून 10 रे हेबो राज्यसभा पई निर्वाचन प्रसन्न आचार्य सस्मित पात्र एवं एन भास्कर राव स्थान में निर्वाचित हेबे नुआ प्रतिनिधि सेपरि सुभाष सिंह स्थान में जून 13 रे हेबो उपनिर्वाचन निर्वाचन लागि रिटर्निंग अफिसर निजुक्ति सरीथिबा बेले प्रशासनिक प्रस्तुति भी चूड़ांत होईछि संख्या दृष्टि चारिरु चारि आसन बीजेडी खाता को जीवो आशायी संख्या बढ़ुले भी दिल्ली टिकट नहीं गार्ड खोलना बीजेडी सुप्रीमो समीक्षा मतरे 24 निर्वाचन थिबारु संगठन को सुहाइबा भली आंचलिकता और विभिन्न वर्गर प्रतिनिधि बाछिबे नवीन टिकट रेस रे अछंती सस्मित पात्र असित त्रिपाठी प्रदीप माझी मानस मंगराज और श्रीमयी मिश्र तबे कम समय रे राज्यसभा रे पारदर्शिता देखाई नवीन को गुडबुक रे अछंती सस्मित सेहीपरि डब्ल्यूडीसी अध्यक्ष असित त्रिपाठी का नाम भी चर्चा हेउची आदिवासी चेहरा भावे प्रदीप जाई परंती दिल्ली दलर क्राइसिस मैनेजर भावे जनाशुना तथा सरकार मीडिया परामर्शदाता मानस मंगराज को भी पुरस्कृत करिपारंती बीजेडी सुप्रीमो महिला कार्ड खेलिले श्रीमय मिश्र को नाम विचार को नहीं पारे दल सेपटे अनुभव पटनायक सुलता देव भी अच्छा दिल्ली रेस रे बीजेडी उपसभानेत्री उषा देवी कहते कि मुख्यमंत्री सबुबले महिला प्राथमिकता देथिबारु एथर भी गुरुत्व मिलिबो एपरिकि तीन रु तीन महिला दिल्ली पठाइबा सपक्ष रे भेटरान नेत्री उपनिर्वाचन पई सरगरम ब्रजराजनगर आज प्रचार मैदान को ओल्लाइबे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विभिन्न स्थान रे कर्मी सम्मेलन एवं निर्वाचन प्रचार करिवे बीजेपी प्रार्थी राधारणी पंडाक पई वोट भिक्षा करिवे भुवनेश्वर विमानबंदर पहुंचा पर तपस्विनी एक्सप्रेस रे से ब्रजराजनगर गस्त करिसेंते आज ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन पई माराथन प्रचार करिवे ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन पई मैदान रे 11 प्रार्थी किंतु मुख्य प्रतिद्वंदिता तीन प्रमुख दल बीजेडी बीजेपी एवं कांग्रेस मध्ये रहबो एथर विजय पक्षर स्टार प्रचारक तालिका रे पांच केंद्रमंत्री अछंती कंपुची ब्रजराजनगर बीजेडी प्रार्थी अलका महांती को जिताइबा पई महिला को मन जिणीबा को गेम प्लान करिछंती मंत्री टुकुरी साहू एवं स्नेहांगिनी छुरिया स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास को झियो दीपाली बीजेडी विधायक देवी मिश्र स्नेहांगिनी छुरिया एवं अतनु सब्यसाची प्रचार करिछंती अलका महांती मध्य लखनपुर जोन दुई विभिन्न पंचायत घर को घर जा प्रचार करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लोकाभिमुखी कार्य को मुख्य प्रसंग करिछंती अन्यपटे मंत्री प्रताप जेना और संजय दास वर्मा ब्रजराजनगर थिबा गुरुद्वारा रे सिख भाई भोनी को सह मिसी अलका महांती को भोट देवा पई निवेदन करथिले सेपटे राधारणी पंडा को जिताइबा को बीजेपी भी प्रचार को जोरदार करिछि सांसद प्रताप षडंगी वरिष्ठ नेता कनकवर्धन सिंहदेव विभिन्न गां गां बुली प्रचार करिछंती सेपरि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरमा पाढ़ी झारसुगुड़ा ब्लक ब्लक्र घुसरा मुंडा सह अन्य गांव रे बुली प्रचार करिछंती
कंग्रेस तुंग नेता माने लखनपुर ब्लॉक रा विभिन्न पंचायत रे घर को घर बुली प्रचार आरंभ कर देछंती। बेलपहाड़ रे रोड शो सह उपनिर्वाचन रे बाजी मारिबा को आप्राण उद्यम करूछे हाथ। तीन प्रमुख दल वर्तमान निर्वाचनी रणांगन रे एवं सेमानकर हेवीवेट मध्ये प्रचार कार्य को जोरदार करिछंती। जमीती बीजेपी पाई वर्तमान केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज प्रचार आरंभ करेंगे ब्रजराजनगर में और अन्यपटे बीजेडी तरफ तुंग नेता मंत्री माने वर्तमान डेरा पकाई ब्रजराजनगर और घर को घर बुली प्रचार करुछंती निज प्रार्थी अलका महांती को पाई और अन्यपटे कांग्रेस भी पछरे नाही। कांग्रेस तुंग नेता माने वर्तमान प्रचार को जोरदार करिछंती। अधिक आलोचना करिबा झारसुगुड़ा प्रतिनिधि जितेन्द्र देवता अछि समस्त फोन लाइन रे। जितेन्द्र केमिति वर्तमान रहिछि परिवेश ब्रजराजनगर रो? पड़ुच कहीं प्रचार मैदान में ओल्ल सारे तीन प्रमुख दल हेवीवेट माने एवं प्रचार प्रचार को जोरदार करड़ अख्तिर करने कांग्रेस कहतु बीजेपी कहतु बीजेडी कहतु आज आज प्रचार मैदान में ओल्लौंट केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं आज तर साढ़े नौटा दीटी पंचायत रमपेला ग्राम पंचायत रु ओापड़ा पंचायत में घंटाघर गोटे रैली अच्छी सभा अच्छी परवर्त समय साढ़े दसटा रु साढ़े बारटा गोटे पब्लिक मीटिंग अच्छी बागमुंडा ठारे जोटि की से पंचायत जिते भी अच्छा लोक अच्छा से सहित आलोचना करे से जो प्रार्थी अच्छा भोट भिक्षा करे जी आम कह सन्ध्या समय बेलपहाड़ म्युनिसिपालिटी और ब्रजराजनगर म्युनिसिपालिटी गोटे 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 रोड शो रि कार्यक्रम रही बीजेपी कर्मी को आरंभ करते सब दलिया नेता अच्छा समस्ते उत्साहित अच्छा आम आउ गोटे कथा कहीपर जेहेतु बीजेपी रु बीजेपी पक्षर आज गोटे बड़ धरण कैंपेन रोचे केंद्र शिक्षा मंत्री से कांग्रेस और विजु जनता दल पक्षर से प्रकार कैंपेन को बहुत जोरदार करे जहां सूचना रोचे गत काली कांग्रेस पक्षर एक बड़ धरण रैली कराइला बेलपहाड़ ठारे जो कांग्रेस समस्त वरिष्ठ नेता और तुंग नेता मैंने योगदान देते प्रार्थी सहित आम जदि कह विजु जनता दल प्रत्येक पंचायत एवं म्युनिसिपालिटी वार्ड गुड़िकेट मैंने अलका महांती जोरदार जोरदार प्रयास जारी चल अलका महांती कि भाव में विपुल परिमाण में भोट दे जयजुक्त करे से प्रयास जारी रखिं आज जदि कथा कह धर्मेन्द्र प्रधान जेहेतु बड़ कार्यक्रम रोचे से समस्त नजर बीजेपी कार्यक्रम उपरे रही उभय कांग्रेस और बीजेडी कहीं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसुचार आज ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन जो है जा जोग देवे विभिन्न कार्यक्रम जो रोचे से कार्यक्रम सामिल हे से गोटे प्रकार आम कह ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन आज गोटे अलग टाइप वातावरण सृष्टि एवं ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन तीन प्रमुख दल संपूर्ण प्रस्तुत अच्छा गड़ अख्तिर करने निज निजर रणकौशल निहाति वर्तमान निज निज रणकौशल आरंभ कर सारी से क्रम घर को घर बुली प्रचार को मध्य जोरदार करिसंती तीन प्रमुख दल। धन्यवाद जितेन्द्र सविशेष आलोचना। पुणी पुरी रे राति अधिया सर्वे गुजरात आईआईटी पक्षर एमआर मठर जीपीआर सर्वे ओबीसीसी को हस्तांतर कर रिपोर्ट। पुणि तेजिला स्टार दंपति कली पुणि वीडियो जारी कले सांसद अनुभव महांती वर्षा अभियोग को खंडन सह आणिले पालटा अभियोग कहले धीरे धीरे सब सत आसिबो सामना को पॉलीग्राफ एवं वॉइस टेस्ट पई देले चैलेंज। आईपीएल आज प्लेऑफ मुकाबला गुजरात टाइटन्स को भेटिबा राजस्थान रॉयल्स विजयी टीम सीधा सड़क जीव फाइनाल पराजित टीम पाई रहिबा आउ एक सुजोग।
ପୁଣି ରାତି ଅଧରେ ପୁରୀରେ ଏମାର ମଠରେ ହୋଇଛି ଜିପିଆର ସର୍ଭେ। ମଠ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତାହା ଜିପିଆର ମେସିନ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଓବିସିସି ଚିଠି କ୍ରମେ ଗୁଜରାଟ ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ। ଜିଓକାର୍ଟ ରାଡାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ତିନିଟି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଆଠ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଓବିସିସି ଗୁଜରାଟ ଆଇଆଇଟିକୁ ଚାରିଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓବିସିସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀ ଏମାର ମଠର ଜିପିଆର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ମଠ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜିପିଆର ମେସିନ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଜିପିଆର ସର୍ଭେ କରାଯାଉଥିଲା ରାତି ଅଧରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବାଦବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଚାରିଦିନର ଥିଲା ଏହି ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟ ଆଇଆଇଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଚାରିଦିନ ସର୍ଭେ ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାତି ଅଧରେ ପୁରୀରେ ଏମାର ମଠର ମଧ୍ୟ ଜିପିଆର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ଜିଓକାର୍ଟ ରାଡାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସର୍ଭେରେ ତିନିଟି ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଠ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଅକ୍ଷୟ, ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏନେଇକି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥଳ ଏମାର ମଠ ଯେଉଁଠିକି ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଦୁଇଟି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ହଟଚମଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମାଟି ସାମୁ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିପିଆର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଜିପିଆର ସର୍ଭେ ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଇଏ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ର କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ର କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଗୁଜରାଟ ଆଇଆଇଟିର ଯେଉଁ ଜିଓକାର୍ଟ ରାଡାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସର୍ଭେ ସରିଛି ଏବଂ ଆଜି ସର୍ଭେର ଅନ୍ତିମ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଏମାର ମଠ ପରିସରରେ, ତାହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାଳେ ଆ ତଳେ ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି କି, କାରଣ ଏଇ ଜିପିଆର ସର୍ଭେ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି କାଳେ ଆ ତଳେ କିଛି ଐତିହ୍ୟ ରହିଥିବ। ତ ଆମ ସହିତ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିପିଆର ସର୍ଭେ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାର ମଠ ପରିସର ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏକନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଟାଟା କିମ୍ବା ଓବିସିସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ଏସ୍ଆଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଏସ୍ଆଇ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଏଏସ୍ଆଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଏରିଆ ତାଙ୍କର କାମ। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଏସ୍ଆଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଏସବୁ କାମ କରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜିପିଆର ହଉଥିଲା ବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଚିଠି ଏମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଏଏସ୍ଆଇ ଜାଣିଶୁଣି ଲୁଚିକି ରହୁଛି ଏବଂ ଏ କାମଟାକୁ ଟାଟା ଓବିସିସି ଦେଇଦେଇଛି, ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ସେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଠି ସର୍ଥ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଥିଲା, ଏଏସ୍ଆଇ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା, ମାଟି ସାପୁ ନେଲା, ପଥର ନେଲା, ଏ ଜାଗାକୁ ସେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା କଥା, କାଳେ ଆତରେ କିଛି ମନୁମେଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଏହା ଭିତରେ ଯେ ଆଉ କିଛି ମନୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନାହିଁ, ଏଟା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଠୁ ଯେତେ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏମାର ମଠର ଚକଡ଼ା ତଳେ ଅଛି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଟା ଅଛି, ଭଣ୍ଡାର ଘର ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଅଛି, ବୋଧେ ବୋଧ ବହୁତ ପୁରା ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ୟା ତଳେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କିମ୍ବା କିଛି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି? ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏଠି ଏଏସ୍ଆଇ କାହିଁକି ଆସୁନି? ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଆଉ ଏକ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଟାଟା କେବଳ ବା ଓବିସିସି କେବଳ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଆଇଆଇଟି କି ଜିପିଆରଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜିପିଆର ସର୍ଭେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ବିଶେଷରେ ହେଉଛି ତ, ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ପର୍ପୋଜେସ୍ ରହୁଛି ତ, କାରଣ ଜିପିଆରଏସ୍ 13 ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ଜିପିଆରଏସ୍ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି? ୟୁଟିଲିଟି ପୂର୍ବରୁ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିପିଆରଏସ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ ପରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ପର୍ପୋଜେସ୍ରେ ଯଦି ଜିପିଆରଏସ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମ ମାଟି ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଜିନିଷ, କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଛି, ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଅଛି କିମ୍ବା କଳାକୃତି ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ଯଦି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଜିପିଆରଏସ୍ ନ ହେବ। ଜିପିଆର ସର୍ଭେ ପରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଟୋକିଓରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍ଙ୍କ ସହ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଦା କିସିଡା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟ୍ରୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚାରି ପ୍ରମୁଖ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड सम्मेलन में भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सदस्य अच्छा मुख्यतः इंडो पैसिफिक अंचल शांति और सुरक्षा प्रतिष्ठा समेत स्वास्थ्य समृद्धि और खाद्य सुरक्षा पर गुरुत्व दि जाएगी। सेपर युक्रेन रूसिया महायुद्ध और कोरोना महामारी समेत विश्वर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंगे चर्चा करिछन्ति क्वाड सदस्य राष्ट्र। यहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जापान और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री भी द्विपाक्षिक आलोचना करेंगे। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। बाउंसर तैयारी विभिन्न सामग्री आपण माने घरे व्यवहार करती घर सोफाटार आरंभ करी कांथ घंटा पर्यंत किंतु आपण केबे बाउंस तैयारी कुओ देखिछंती कि जहाको अति कम मूल्य रे चासी माने चास कामरे व्यवहार करि परिबे। केवल शहर रे नहे ग्रामांचल रे मध्य नूतन ज्ञानकौशल उपर तैयारी होइथिबा ए कुओ को नै बे चर्चा। रायगडा जिला विषमकटक ब्लॉक रो सिंघी पंदारु देखिबा ए रिपोर्ट। लंबा लंबा बाउंश को फाळ करा जाउछि। खंडिए बाउंश सहित आउ खंडिए बाउंश लुहा रॉड रे गुंथिला भळी जोड़ी दिया जाउछि। लुहा रॉड को ओल्डिंग करा जाई बाउंश जोड़ा जाइथिबा फ्रेम को अधिक मजबूत भी करा जाउछि। हेले बाउंश रे ए की प्रकार जोगाड़ा चलीछि जानंती? ये हेउछि बाउंश कुओर प्रस्तुति चित्र। रायगड़ा जिल्लार सिंधिपंगा गाँ लोके एबे बाउंश रे कुओ तयारी करी कृषि क्षेत्र रे पानी मड़ाइबा पई सुविधा करि पारिछंती। प्रथमे कुओ खोलिबा परे सेथिरे सीमेंट ओ पथर बदलरे बाउंसर फ्रेम रे नंद लगा जाउछि, जहा कम खर्च रे संभव हेउछि। सिंधिपंगा गाँर क्षेत्र पूर्वरु कुओ नथिला, तेबे स्वच्छासेवी संस्था हर्षा ट्रस्ट सहायता रे परीक्षामूलक भावे एपरि बाउंस नंदरे कुओ निर्माण संभव होइछि, जहाद्वारा एठाकर चाषी एबे जलसेचन करी भल फसल अमल करि पारुछन्ति। बाउंस खराब न हेबा पई सेठी आम काजू तेल दिया होची, जेहेतु पानी रे पड़ले भी किछि दिन भूख खाइबो नै भल रहिबो बोली काजू तेल लगा होची, तेणु बाउंसटा भल भी रहुची। सेठी बाउंस कुओ करिके किछि किछि पानी जगेइ देबारु चाष करी करी किछि उपकृत चाषी होउछन्ति। आगे चाषबास किछि हो नथिला, हरसा ट्रस वाला मन आइले सेठरो किछि बाट देखेले कुओ देले बांस कुओ जाक। आगे चाषबास भी ठीक हो नथिला, आगे एबे ठीक चाषबास होउछि हरसा ट्रस वाला मन आइले। पथर सीमेंट रे कुओ तयारी कले 80-90 हजार टंका खर्च होउथिबा बेले बाउंस रे मात्र 30-35 हजार टंका खर्च रे कुओ तयारी करी चासी 50-55 हजार टंका जाय संचय करि पारुछंती। एही बाउंस तयारी कुओ अति कम रे 10-12 वर्ष पर्यंत कार्यकारी होई परिबो बोली हर्षा ट्रस्टर अधिकारी ओ चासी माने आशा करुछंती। बाउंस को अधिक दिन जाय मजबूत रखिबा पई एथिरे स्वतंत्र भाबे निम तेल मध्य व्यवहार करा जाउछि। कुओरु पानी मड़ाई चाषी माने चारा उत्पादन करिबा सहित बाइगण लंका टमाटो ओ भेंडी भली फसल अमल करुछंती, एथि सहित आंबो काजू गछ मध्ये सृष्टि करिछंती। बाउंस नंदी पकेलो सिठी किछि पानी रहला जगेला लदरु से लंका टमाटो बाइगण एमति तास हला लाभ आ कोन आ खाइबा पा एमति ठीक नुना मरच बंचुची। परीक्षामूलक भावे एपरी उद्यम सफल होइथिबारु एभली कुओ तयारी पई चासिंकु प्रशिक्षण ओ तालीम प्रदान करा जिवो, फळरे चासिंकु अधिक रोजगार मिली पारिबो बोली आशा रहिछि। चासी माने जलसेचन करी टमाटो बाइगण प्याज ठारु आरंभ करी विभिन्न प्रकार चाष करुछंती, जाहाद्वारा बेस दुई पैसा रोजगार करिबा सह लाभवान हेउछंती। रायगड़ा सिंधिप्रंगा गामरो गजमोहन गरडिया न्यूज 18 ओडिया।
पुणि रातिरे पुरीरे राति अधिया सर्भे गुजरात आईआईटी पक्षर एमआर मठ जीपीआर सर्भे ओबीसीसी को हस्तांतर करा जीवो रिपोर्ट। पुणि तो जिला सार्धपति कली पुणि वीडियो जारी कले सांसद अनुभव महांती वर्षा अभियोग को खंडन करने आणिले पलटा अभियोग कहले धीरे धीरे सब सत आसो सामना को पॉलीग्राफ और वॉइस टेस्ट पर देले चैलेंज। आईपीएल आज प्लेऑफ मुकाबला गुजरात टाइटन्स को भेटिबो राजस्थान रॉयल्स विजय टीम सीधा सड़क जीव फाइनाल पराजित टीम रही आउ एक सुजोग।